हमारे प्यारे बिहार को हम हाथ जोड़ करके धन्यवाद करते हैं कि ये जो जनादेश था ये बदलाव का जनादेश था। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। तेजस्वी यादव ने सदन में भी ये साफ तौर पे कह दिया कि वो हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बदलाव का जनादेश है। नीतीश कुमार भले ही कुर्सी पर बैठे हो लेकिन जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया है। ये बदलाव का जनादेश है, जनता बदलाव चाहती है। भले ही आज मैं विपक्ष में बैठा हूं लेकिन जनता मुझ पर भरोसा करती है। तेजस्वी यादव कैसे इशारों में नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो लेकिन जनता को तेजस्वी यादव के काम पर भरोसा है, तेजस्वी यादव के बातों पर भरोसा है, उनके दावों पर भरोसा है। जरा आप भी सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सबसे पहले बदलाव का जो जनादेश था, हमारे प्यारे बिहार को हम हाथ जोड़ करके धन्यवाद करते हैं कि ये जो जनादेश था ये बदलाव का जनादेश था। और महोदय, हम लोगों ने किन मुद्दे पर चुनाव लड़ा? बेरोजगारी पर, रोजगार पर, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। इन मुद्दों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हम लोगों ने चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा महोदय? थाना में जो घूसखोरी होती है कोई इनकार कर सकता है? ब्लॉक लेवल पर जो घूसखोरी हो सकती है, साथ साथ घोटाले सरकार के जो 30,000 करोड़ वो जनता के सामने रखा। हमने पहले कलम से 10,00,000 लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का वादा किया। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, कारखाने हो, फैक्ट्रीज हो, शुगर मिल हो, पेपर मिल हो, जूट मिल हो, जो इनके सरकार में बंद हो गए हैं उसको खुलवाने की बात की। लेकिन पूरे चुनाव में हम लोग मुद्दे पर रहे और हमारा चाहे देश के प्रधानमंत्री क्या क्या नामकरण एक 31 साल के नौजवान का नहीं किया, मुख्यमंत्री जी क्या आपा खोते हुए बौखलाहट जो सत्ता जाने का किसने ही नहीं देखा, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा महोदय चुनाव के दौरान? बड़े हैं हम, सम्मान करते हैं, हमारे माता पिता ने संस्कार दिया है कि बड़ों की सम्मान करनी चाहिए। और महोदय आज शांति बनाए रखे, सुना गंभीरता से सुना, मौका मिलेगा सबको। अरे अपनी बात रखने, हम तो आदरणीय नीतीश जी को चाचा के नाम से बोलते थे, चाचा से संबोधन करते थे, लेकिन अब तो सदन में कोई चाचा भतीजा तो होता नहीं है। अब तो सीएम है और हम लीडर ऑपोजिशन है, अब तो प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना पड़ता। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, थोड़ा सा मैं उस पे गौर आप लोगों को रखना चाहता हूं। बौखलाहट में गुस्सा निकल रहा था, लोग बच्चे गिन रहे थे किसके कितने बच्चे होते।